मुरादाबाद कांठोड स्थित विकास भवन के परिसर में श्री एन मिलेट्स गैलरी का मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव और कृषि अधिकारी द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। आपको बताते चलें कि मोटा अनाज जिसको श्री अन्न का नाम दिया गया है के प्रति आम जन को जन जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जाता रहा है। तो वहीं कृषि विभाग कार्यालय पर एक गैलरी को तैयार किया गया है जिसमें मोटे अनाज से लेकर तैयार की गई हुई वस्तुएं इंसानी जीवन को कितना फायदा देती हैं, इस बिंदु पर चित्रकारी के माध्यम से दर्शाने का काम किया गया। शुक्रवार को कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्र और जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर गैलरी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गैलरी का भ्रमण भी किया गया और कहा गया कि मोटा अनाज इंसानी जीवन के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है और कई तरह की बीमारियों से भी हमें बचाता है। सिटी चैनल संवाददाता ने जब मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि वे आज कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे हैं और उनके द्वारा गैलरी को देखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया गया है। विकास भवन में आने वाले फरियादियों को और किसान भाइयों को इस चित्रकारी से काफी फायदा मिलेगा। जैसे 2023 जो हमारा है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में और देश भर में, इसी के क्रम में आज विकास भवन की जो एक गैलरी है, जो कृषि विभाग का जो ऑफिस है जहाँ पर उनके द्वारा एक अपनी पूरी गैलरी के अंतर्गत जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मिलेट्स हैं इनके प्रचार के लिए वॉल के ऊपर पेंटिंग कराई गई है, फ्लेक्सी और बैनर्स लगाए गए हैं ताकि जो भी लोग इनके ऑफिस में आते हैं, जो भी लोग विकास भवन में आ रहे हैं, वो अपने विभिन्न प्रकार के मिलेट्स के बारे में जानकारी कर पाएँ और उनका क्या उपयोग है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी जान पाएँ। इसके साथ साथ जो है DHO साहब के द्वारा भी अपने जो कॉरिडोर है इनका विकास भवन में, उनके द्वारा भी अपने पूरे कॉरिडोर में जो भी DHO साहब की स्कीम्स हैं इसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए भी पेंटिंग कराई गई है। साथ साथ इससे पहले हम लोगों ने जो DPO महिला है उनके द्वारा भी अपने जो कॉरिडोर है उसमें उनके द्वारा जो काम कराया गया था उसका भी शुभारम्भ किया था। तो मोस्टली हमारे विकास भवन में जो भी विभाग अभी यहाँ पर जिनका भी ऑफिस स्पेस है उनके द्वारा अपने अपने कॉरिडोर में अपनी स्कीम्स के बारे में पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और क्या क्या उसके अंदर पात्रता की शर्तें हैं उसको भी दिखाया जा रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इन स्कीम्स में जोड़ पाएं। वहीं जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग की ओर से श्री अन्न पर कृषि विभाग कार्यालय पर एक गैलरी को स्थापित किया गया है जिसमें चित्रों के माध्यम से मोटे अनाज से होने वाले फायदे पर जन जागरूक करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जैसा कि वर्ष 2023 हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, इसके उपलक्ष्य में हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ विकास भवन में हमारा जो कृषि भवन है यहाँ पर मिलेट्स गैलरी बनाई है जिसका उद्घाटन आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा किया गया। इस गैलरी के माध्यम से हम सभी किसानों को, सभी आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि मिलेट्स और श्री अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभकारी हैं और किस तरीके से वो लोग उसे अपने दैनिक खानपान में प्रयोग करें, इनसे क्या लाभ हैं, इन सभी की जानकारी इस गैलरी के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को, सभी आमजन को देना चाहते हैं ताकि हमारे जो जनपद के किसान हैं जो इस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं मिलेट्स उत्पादन करके, वो सभी आम जनता उसे खरीदे, उसे प्रयोग मिले ताकि उन किसानों को भी प्रोत्साहन मिले ताकि हमारा जो जनपद है वो मिलेट्स के